आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। दिलीप सेनामधारी का लगातार काफिला चल रहा है, आज डाल्टनगंज सदर प्रखंड के कई गांव पंचायतों का दौरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो सड़कें इस मतलब क्षेत्र में बनी है वो पिताजी के इनके पिताजी के द्वारा बनाया गया था, जो आज भी यथावत है बनी हुई। इस सड़कों पर न दोबारा कहीं काम हुआ और न सड़कें जो है वो सड़कों पर पक्कीकरण हुआ, और ये बातें खुद दिलीप सेनामधारी को यहाँ की जनता ने कह रही है। अब क्या कहते हैं कि क्या पिताजी का जो किया धरा है वो लगातार लोगों का समर्थन जो है उसमें कैसे मिल रहा है? विकास जी खुद इस सड़क से आ रहे हैं, यही हाल रहना चाहिए। आप तो सारे क्षेत्र में घूम रहे हैं, बहुत से उम्मीदवारों से इंटरव्यू ले रहे हैं। आप जरा चले जाइए, मैं सब गांव का नाम आपको बताऊंगा, उसके बाद आप दोबारा जाने की आपकी इच्छा नहीं होगी, वहाँ नहीं जाएंगे आप। पहले चैनपुर थाना से नेवरा तक ही जाइए ना, लोहर सिमी तक जाइए, आपको पता लग जाएगा क्या सड़कों का हाल। क्या डिमांड कर रहे हैं लोग? लोग डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम ये मूलभूत सुविधाएं, कोई एहसान नहीं है पब्लिक पर, उन्हीं का पैसा है। सड़कें तो अच्छी बनाइए, स्कूल तो अच्छे दीजिए, गंदा पानी पी रहे हैं, कहीं पानी नहीं है, कम से कम पानी की तो व्यवस्था कीजिए। तो ये तो बेसिक चीज है, वो बताइए जो कह रहे हैं कि यहाँ पानी नहीं है। तो ये आप जैसे अलग अलग आप जगह जा रहे हैं, मान ली बहुत सारे पंचायत जैसे सदर प्रखंड के कई गांवों में आप जा रहे हैं, तो क्या मतलब अलग अलग समस्याएं मिल रही है कि एक ही समस्या? देखिए कॉमन ही होती है, सड़कें सबको चाहिए, पानी सबको पीना है, शिक्षा बच्चों की सबको चाहिए, चिकित्सा सबको चाहिए, ये चार बेसिक चीजें हैं। और इसमें कोई भी सरकार आ रही है, मैं पासिंग मार्क्स नहीं ला रही है, फेल कोई भी सरकार हो, मैं नहीं एक सरकार की बात करूँ, इसलिए सरकारें आए तो पहले इन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, तभी बाहर से कोई आके यहाँ पैसा लगाएगा, नहीं तो ये सपना है, कोई बाहर से आके यहाँ पैसा नहीं लगाने जा रहा। आप कल कहे थे कि मैंने सभी दीवारों को तोड़ दिया है और बीच का रास्ता बना लिया है, लेकिन दो दीवारों से हमारी कल बात हुई तो उन्होंने कहा कि दीवार बहुत मजबूत है, वो टूटने से दिलीप जी नहीं तोड़ पाएंगे। मैंने कहा दिलीप जी नहीं तोड़ सकते, जनता तोड़ती है, जनता तोड़ेगी, मेरी क्या औकात है? ये जनता चाह जाएगी, हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये दीवारें राजनीतिज्ञों ने बनाई हैं, जनता को बांट के रख दिया है, ये दीवारें खुद जनता तोड़ देगी, देखिएगा आप, रिजल्ट आने दीजिए ना, पता लगेगा दीवारें टूटती हैं। एक सवाल अंतिम, क्या कहेंगे लोगों को? लोगों को यही कहेंगे, ठीक है, बहुत से लोग अब तीखे सवाल भी पूछ रहे हैं, मैं कोई पद पर नहीं हूँ। अभी एक नक सवाल आया कि आप जितने के बाद इंडिया गठबंधन में जाइएगा या इंडिया गठबंधन में? यही कहा कि निर्दलीय भी लड़ना हुआ तो मैं कार्यकर्ताओं के हजारों लोगों को बुला के उनसे राय ली, लोगों ने कहा कि टिकट नहीं मिली, आपको लड़ना है, वैसे फिर बुलाऊंगा अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी, कि मैं किसको सपोर्ट करूं, जो उस समय कार्यकर्ताओं का सबका बहुमत बोलेगा मैं उसको स्वीकार करूंगा। क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता से? क्षेत्र की जनता से कहना चाहेंगे, बस अब 10-11 दिन रह गए हैं, अच्छी तरह से देख लें, फिर 5 साल बाद मौका आएगा, 15 साल आगे वेस्ट हो गए, 5 साल और मत बर्बाद कीजिएगा, यही अनुरोध करना चाहता हूँ। धन्यवाद। 15 साल व्यर्थ हो गया है, 5 सालों का और भी व्यर्थ न जाने दे, सोच समझकर मतदान करें, यह कहना है दिलीप सिंह नामधारी का, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। इन्होंने कहा कि जो 15 साल में विकास काम आज तक रुका हुआ है उसको धरातल पर उतारेंगे, आने वाले दिन में अगर जनता जनादेश देती है तो निश्चित रूप से हम उनके हक व हकूक की बात करेंगे और उनसे राय लेकर ही किसी पार्टी या दल में शामिल होंगे। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज़ डाल्टनगंज।